हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। आज वार हो गया है, मंगलवार, और अभी सुबह के लगभग 10:15 बज गई है। और मेरा नहाना वगैरह और थोड़ा बहुत खाना भी खा लिया, थोड़ी सी भूख लग गई थी। और अभी ये देख सकते हो मैं कॉपी वगैरह लेके बैठ गया हूँ, क्योंकि मुझे अभी मिनी ब्लॉग की स्क्रिप्ट वगैरह लिखनी है, और शॉर्ट वीडियो भी मैं जैसे बना रहा हूँ ना, उसके लिए भी थोड़ी बहुत स्क्रिप्ट लिखनी है। अभी शॉर्ट वीडियो मैं अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिमाग में आता ही नहीं, बाकी मिनी ब्लॉग पर अभी ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ट्रेंड में वही चल रहा है इस वजह से। ठीक है, और बाबू की तबीयत अभी थोड़ी ठीक है, सो रखा है वो, और दीदी भी अभी ठीक ही है। बाकी कब क्या होगा सब कुछ आप लोगों को ब्लॉग में पता चलते रहेगा। फिलहाल तो मैं काम कर लेता हूँ। और बिट्टू दोनों स्कूल चले गए, उनका पेपर है आज। मम्मी कहीं आस पड़ोस में गए हैं, और कमल भी घर नहीं है यहाँ। अभी मैं, दीदी और बाबू, दीदी भी कहीं काम में लगे हुए हैं, तब तक मैं अपना काम फिनिश कर लेता हूँ। ठीक है, और गैस आप लोगों को दिल से शुक्रिया इतना इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। देख लाइन ये औरों वालों को मम्मी, ये देखो मम्मी गोदड़ी सी रही है। हाँ बाबू आता है किसके लिए? किसके लिए? उड़ने के लिए। ये बाबू के लिए कि छोटे बाबू के लिए? हाँ छोटे बाबू बड़े बाबा दो ही। हाँ वाह, देखो इस तरह से गोदड़ी सीत, देखो इस तरह से गोदड़ी सीते हैं। आपको पता है गाइस? नहीं गाइस को नहीं पता है। तो गाइस मम्मी ना छत पर अभी गोदड़ी सी रहे थे, और अभी यहाँ आ गए, और इधर बाबू मजे ले रहा है और गिरा रहे। इधर बाबू मजे ले रहा है मम्मी से, क्या गोदड़ी सीने देगा ये? आपको क्या लगता है मम्मी कि आप घर में गोदड़ी सी सकते हैं इसके होते हुए? बाबू के होते हुए ये देखो मस्ती कर रहा है। ये सुई और धागा दूर रखना मम्मी, है ना? अरे इसका गोदा सुई लगाई दे बस। नहीं रे बिट्टू बाहर जाता है, ये मत जाए बेटा, कहाँ बैठेगा तो इसको देखना आएगा तेरे पास। कहाँ जा रहे हो बेटा? कहाँ जा रहे हो बाबू? कहाँ जा रहे हो? इधर देख, इधर 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 ये ले, सामान लेने के लिए जा रही है, और साथ में दो बंदर भी जा रही है। तीन बंदर, एक ये गांधी जी के तीन बंदर। क्या हुआ? हवा बेहतरीन नहीं रही बाजार तरफ है। सिर्फ कपड़ा नहीं लगा जाता सर। सर आप छोड़ो छोड़ो, तू छोड़ दो। वाह बिट्टू, यहाँ रे बिट्टू, यहाँ रे, कहीं नहीं लियो। ये ना बाबू के लिए चप्पल वगैरह लेने के लिए गया था, बट ही वापिस आ गया, क्योंकि ना बहुत ज्यादा मौसम खराब हो गया और मम्मी ना मार्केट तरफ गई है, तो ये कमल लेने के लिए, जा रहा मम्मी को। ये देखो हवा भी कितनी, हवा आंधी भी आ सकती है। ओ बाप रे, कुछ भी नहीं दिख रहा इधर, तो इधर मौसम सब खराब है। वीडियो में नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि पेड़ वगैरह सब है ना सामने, इस वजह से। तो दोस्तों अभी आंधी आने वाली है, और ये गेट को ना उस टाइम पे हम लोग ना खुला करके छोड़ देते हैं, वरना ज्यादा आंधी आएगी ना तो गेट को ही तोड़ गए, इस वजह से ना इसके राइट साइड हम लोग पत्थर लगा देते हैं। और ये बाबू मेरे पास ही रह रहा, कमल के पास गाड़ी नहीं रखी, तो हमें पत्थर लेके इधर ला, ये पत्थर उठाना है, कैसे उठाऊं? ये वाला मैं उठा लूंगा। ये डेडरी है गाइस, निकली है ये डेडरी। नहीं उठ रहा रे, इसको भी संभालना पड़ेगा। तब गाइस ये पत्थर वगैरह उठा लेता हूँ मैं, और गेट के आइट साइड लगा देता हूँ, तब तक ना बाबू को बिट्टू संभाल लेगा। हाँ होता आराम से बेटा, आराम से ना, आराम से, धीरे से रख, लग नहीं जाए तुम। वाह यार ये तो बड़ा हो गया रे। ये लो दोस्तों देखो, यहाँ पे कहाँ का झगड़ा चल रहा है, वहाँ वहाँ पे लंगा, वहाँ ये रहा गाइस। इधर इधर ये वाला से, वो वाला से बोल। तो गाइस अभी हम यहाँ मौसम के फुहारे ले रहे हैं, और ये बाबू और ये है ना नाच रहा है, और हम जो नाने जो। हेलो दोस्तों, हमारे इधर मौसम खराब है, देखो आपके यहाँ है कि नहीं देखो। हाँ कितना यारा हवन जा रही है, और इसको फॉलो अप करना है ना। देखो हमारे यहाँ के लोग कैसे गायब हो गए, आप आपको थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे लोग, देखो वो रहे।
थोड़े थोड़े ना ढोला ढोला दिखेगा ना, देखना। बाबू कौन आ गया, कौन आ गया, कौन आ गया? नानी और मामा आ गए। अंदर रखना, मैं उनको हटने दे। नहीं तो क्या, एक मैं काम भी नहीं करना दे रहा, मेरा पूरा काम पड़ा हुआ है। अभी तक मैंने आप लोग की एडिटिंग नहीं करी। आज ना बहुत सारे बहस बहस में थोड़ा उलझा हुआ था, वो बातें आप लोगों के साथ अभी मैं शेयर नहीं कर सकता। जब पूरा काम सक्सेस हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद में आप लोगों से अच्छे से डिटेल से सब शेयर कर दूंगा। क्योंकि अगर मैंने आप लोगों से बातें कुछ शेयर कर दिया, बाद में और लफड़ा वफड़ा हो जाए, इस वजह से सारी बातें जो आज हुई, आज सारी मुसीबतों से थोड़ा हुआ है। हमारी एक चीज़ शायद सक्सेस होने वाली है, जो होगा आप लोगों को पता चल जाएगा। इसी वजह से अब मैं जाके अपना ब्लॉग एडिट कर लेता हूं। लगभग 4 बज गए होंगे, क्यों लगभग शायद हमारा काम हो गया है। जो भी होगा आप लोगों के साथ इस तो ब्लॉग में शेयर करेंगे जब पूरा सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अभी कुछ नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ शेयर करनी है, लेकिन उस गुड न्यूज़ का शायद अभी तो मैं फ़ायदा नहीं उठा पाऊँगा। चलिए आप लोगों को अच्छे से डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, जैसे आप मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि आप कोई काम कर लो, दूसरा काम कर लो, यूट्यूब के अलावा भी कोई इनकम सोर्स रखो। ठीक है, और मैंने आपको कई बार बता रखा है कि ये मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ काम ढूंढने की। जैसे मुझे काम मिलेगा मैं करूँगा। अभी कंडीशन ऐसी आ गई कि मुझे ना अभी काम मिला भी, लेकिन घर की प्रॉब्लम होने चल रही ना, उसकी वजह से अभी मैं वो काम करने जा भी नहीं सकता। क्योंकि जो मुझे काम मिला है ना, मतलब जो मुझे जॉब मिली है, उसके लिए मुझे घर से बाहर जाना पड़ेगा और वहीं रहना पड़ेगा। और अभी घर में जो सिचुएशन चल रही, दीदी को बेबी होने वाला है। ठीक है, और 1-1.5 महीने के अंदर शायद मेरी शादी भी हो सकती है। अभी चल रही है बातचीत शादी को लेकर ही। आप लोगों ने तो देखा ही है, नेहा के लिए गहने वगैरह सब खरीद लिए हैं। तो 1-1.5 महीने के अंदर कभी मेरी शादी भी हो सकती है। अभी फाइनल डेट नहीं फिक्स हुई है, जब भी होगी वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूंगा। ठीक है, ऐसे में शादी की तैयारी भी करना है और दीदी को बेबी होने वाला है। ऐसी कुछ सिचुएशन नहीं रहती, नॉर्मल सब चलते रहता घर में, तो मैं आराम से काम करने के लिए बाहर चले जाता। देखो, काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कोई काम मिल जाए, कोई काम मिल जाए, बट काम मिला, बट अभी मैं उसे कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा हुआ है कि जैसे दीदी को बेबी वगैरह हो जाएगा, ठीक है, और मेरी शादी की डेट अगर और आगे बढ़ गई, 3-4 महीने अगर कभी आगे बढ़ गई, तो फिर मैं वो काम करने के लिए चले जाऊंगा। अगर मुझे तो काम करना ही है, कोई सा भी काम मिल जाए मुझे करना ही है, बट अभी घर में जो परेशानी चल रही है ना, उसकी वजह से अभी मैं कर नहीं सकता। जैसे ही इन परेशानियों से थोड़ा हट जाऊंगा, जैसे इन परेशानियों से निकल जाऊंगा ना, उसके बाद आराम से काम करने के लिए चले जाऊँ, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होगा। दीदी को बेबी हो जाएगा, दीदी भी अपने घर चले जाएंगे, और दीदी की अभी कंडीशन कैसी क्या चले चले आपको दिखाते हैं। अभी तो दीदी को थोड़ा बहुत तकलीफ हो ही रही होगी, वो पता नहीं हमारे घर कब गुड न्यूज आएगी, कब हमको खुशखबरी मिलेगी। आज तो एक खुशखबरी आ गई मुझे, जो मिल गई है, लेकिन वो मैं कर नहीं सकता। दीदी अभी तबीयत कैसी? थोड़ा पास लगी कैमरामैन, हमारा कैमरामैन बहुत शर्माता है। आप दीदी बोलो। पेट तो सुबह से दर्द कर रहा, पर ऐसा लग रहा है कि रात दिन में। क्या बात कर रहे हो, आज रात में? हाँ, वैसे दर्द मतलब ज्यादा नहीं आ रहे थे, तेजी से आते तब जाना। तो अभी दीदी को भी महसूस होने लग गया कि आज रात में भी हम जा सकते हैं हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए। जो भी होगा आप लोगों को आगे आप लोगों को पता चले जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों को दिल से शुक्रिया गाइस, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, और आप लोगों के प्यार। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को उस जॉब के बारे में बता देता हूँ जो मुझे मिली है, लेकिन अभी मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो किस कारण से नहीं कर पा रहा हूँ आप लोगों को बता दिया, लेकिन उस जॉब के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, पूरा पूरा आप लोग जरूर देखना। तो मुझे जॉब कैंटीन वेंटीन में कुछ ऑफर हुई थी कि वहाँ पर मैनेजर टाइप की जॉब, जो भी कैंटीन वगैरह में खाना वगैरह बनता है, जो भी सामग्री वगैरह आती है, जो भी पैसे वगैरह इकट्ठे होते हैं, सबका हिसाब किताब रखने के लिए मुझे एक जॉब ऑफर हुई थी। और पैसे 12,000 रुपये महीना मिलता, फी रहना वगैरह सब वहीं पर। लेकिन अभी कंडीशन थोड़ी मेरे घर की ख़राब चल रही कि मैं घर को छोड़कर अभी कहीं बाहर जा नहीं सकता। खरगोन में अगर वो जॉब मिलती ना, खरगोन जाना रहता और वहाँ की जॉब मिलती ना, तो मैं आराम से जाना आना कर लेता। लेकिन वो थोड़ी दूर मिली है, 70 किलोमीटर दूर के हिसाब से वो जॉब मिली हुई है। इतनी दूर मुझे जाना पड़ेगा रहने के लिए, वहीं रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो इतनी दूर अभी फिलहाल तो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि घर वालों को छोड़ के मैं जा नहीं सकता। हाँ, अभी कंडीशन थोड़ी ख़राब चल रही, पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर मैं 1-2 महीने तक थोड़ा मैनेज करूँगा, उसके बाद में मैं जॉब के लिए बात करूँगा और सोचूँगा और जाने की सोचूँगा जॉब करने के लिए। तब तक बस किस्मत भी देखो, किस्मत भी कैसे कैसे खेल खिला रहे मेरे साथ।
जब मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था, जॉब वगैरह ढूंढ रहा था, तब मुझे जॉब मिल नहीं रही थी, लेकिन अब जॉब मिली तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। ताकि मैं सच बताऊँ ना, मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा था काम करने के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बहुत सारे लोगों के ताने सुनते आ रहा हूँ कि आप काम कुछ नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। जबकि आप मेरा पिछला रिकॉर्ड जाकर देख लेना, बहुत मेहनत करी हुई, बहुत मेहनत मजदूरी करी, रात 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 भी मेहनत करके तब जाकर ये मुकाम हासिल हुआ था। ठीक है, ऐसे नहीं कुछ भी हासिल हो गया, बहुत मेहनत करी मैंने। फिर भी बहुत सारे लोग ताने वाने मारने लग जाते हैं कि ये काम वाम नहीं करता, घर बैठे रहता है। तो गाइस, कभी ऐसा नहीं सोचा मैंने कि मैं कभी काम नहीं करूँगा, घर बैठे रहूँगा। बट कंडीशन भी ऐसी है कि काम नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी काम मिला तो अभी मैं कर नहीं सकता। एक दो महीने मुझे वेट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं काम करने ले जाऊँगा। ठीक है, और पूरे घर की जिम्मेदारी अगर मेरे ऊपर है, सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ, संभाल रहा हूँ। छोटे भाई की मुझे शादी करनी है, उसको काम धंधे से भी लगाना है, तो वो पुराने घर का काम शुरू हो गया ना, दुकान वगैरह खुल गया तो दिक्कत भी ठीक हो जाएगी। बाकी जो भी होगा गाइस, आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करेंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार देना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, और हमारा पूरा पूरा ब्लॉग जरूर देखना। और गाइस, मेरे ना सब्सक्राइबर पता नहीं क्या हो गया, बढ़ते ही नहीं। अगर आपने किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया ना, सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही वो जो घंटी आती है ना, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, तभी जब भी मैं ब्लॉग अपलोड करूँगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा। जो भी सब्सक्राइब करते हैं शायद बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते, इसी वजह से वो वीडियो देख नहीं पा रहे हैं। तो अगर गए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुँचाइए, और थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए और